आपके अंदर अगर काम भावना, डिजायर या क्रोध, एंगर, इन चीज के इश्यूज है तो इस ग्राफ को एक बारी समझो। माइंड के 6 विकार बताए गए हैं, एनिमीज ऑफ द माइंड। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर्य। काम होता है डिजायर या लस्ट। अब इनसे एंगर, डिल्यूजन, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य, जेलसी, ये सब चीजें डेवलप हो सकती हैं। इनको कंट्रोल कैसे करें? अभी योग में यम और नियम ये फॉलो करने पड़ते हैं। यम 5 टाइप के होते हैं, नियम भी 5 टाइप के होते हैं। जब आप ये फॉलो करोगे आपके माइंड का गुण चेंज हो जाएगा सात्विक गुण में, और सात्विक गुण की क्वालिटी होती है कामनेस, अवेयरनेस और विवेक शक्ति। विवेक शक्ति होती है डिस्क्रिमिनेटिव पावर ऑफ द माइंड। ये आपकी डिसीजन मेकिंग को सात्विक बना देगा। और जैसी आपकी डिसीजन मेकिंग सात्विक होगी आपका माइंड क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा चीजों में। जैसे आग में हाथ नहीं डालना, शेर से जंगल में नहीं लड़ना, साइनाइड नहीं खाना। आप क्रिस्टल क्लियर हो विदाउट अ डाउट अपने दिमाग में कि ये चीजें नहीं करनी। तो जब आपकी विवेक शक्ति बढ़ेगी, फॉर एग्जाम्पल आपको कभी पता होता है कि आपके अंदर काम भावना डेवलप हो रही है, आपके अंदर एंगर डेवलप हो रहा है, लेकिन आप उसको चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन जब आपका सात्विक गुण बढ़ेगा और आपकी विवेक शक्ति बढ़ेगी तो ये ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में आ जाएगा।